Hello everyone, a very good morning to you all. I welcome you all again in our next class. Students, we are reading our chapter number 7 and the name of our chapter number 7 is the equatorial region. In our previous video, we have learnt about the equatorial region, the countries which are lies in this region and some facts about the Democratic Republic of Congo. So, before starting any new topic, let's do a quick recap. Regions that are lie near the equator are known as equatorial region. Equator line के पास पड़ने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें हम equatorial region के नाम से जानते हैं. These regions has always hot and humid climate. इन क्षेत्रों का climate हमेशा बेटा hot and humid बना रहता है. The torrid zone is known as equatorial region. Torrid zone को ही हम equatorial region कह सकते हैं. The Democratic Republic of Congo is also lies in this region. Students, now let's know about the geographical features of Democratic Republic of Congo. बच्चों, अब हम Democratic Republic of Congo के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कुछ जानेंगे. ठीक है? So let's start. The Democratic Republic of Congo has an area of 9,05,354 स्क्वायर माइल्स. बेटा, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पूरा एरिया है वो कितना है? वो 9,05,354 स्क्वायर माइल्स का है. इट्स वेस्टर्न टिप इज टच्ड बाय द अटलांटिक ओशियन. इसका जो बेटा वेस्टर्न मतलब पश्चिमी छोर है वो किससे जाकर मिलता है? अटलांटिक ओशियन से जाकर मिलता है. स्टूडेंट्स, दिस कंट्री इज लाइज इन द सेंटर ऑफ रिवर कॉन्गो बसिन. बेटा, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, बेटा ये जो कंट्री है ये कहाँ पर है? ये कॉन्गो रिवर के बसिन के सेंटर में है. ओके बेटा, बसिन क्या होता है? किसी भी नदी का जो किनारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बसिन बोलते हैं. तो जो कॉन्गो रिवर का बसिन है उसके सेंटर में ही ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बसा हुआ है. स्टूडेंट्स, रिवर कॉन्गो इज द मेन फिजिकल फीचर एंड कवर्स होल कंट्री. और ये जो रिवर है वो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में से होकर गुजरती है या ऑलमोस्ट पूरी कंट्री को कवर अप करती है. ठीक है? रिवर कॉन्गो का जो बसिन है वो एक लो लाइंग एरिया है. ठीक है? इट इज सराउंडेड बाय मेनी माउंटेन्स एंड प्लेट्यू. ये जो रिवर कॉन्गो का बसिन है बेटा ये लो लाइंग का मतलब निचले जमीन है. ठीक है? और वो बहुत सारे माउंटेन्स एंड प्लेट्यू से घिरी हुई है. इट इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. इस रेस को द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है. नाउ लेट्स नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट माउंटेन्स प्लेट्यू एंड अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. बेटा, इन दिस कंट्री रुवेंजोरी माउंटेन रेंज इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. बेटा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी माउंटेन रेंज है? This is Ruwenzori mountain range. Okay. In south east direction there is Mitumba mountain range. बेटा, दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सी माउंटेन रेंज है? That is Mitumba mountain range. And Margarita peak is the highest mountain peak among these mountain range. इन दोनों माउंटेन रेंज में बेटा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? That is Margarita mountain peak. बेटा, माउंटेन रेंज के अलावा यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज भी हैं, जिसमें से कुछ फेमस प्लेट्यूज हैं. नंबर वन इज सांबा प्लेट्यू दैट इज सिचुएटेड इन साउथ एंड द सेकंड इज एंगोला प्लेट्यू दैट इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट. ओके, ये दो प्लेट्यू हैं बेटा जो कि बहुत ही फेमस हैं. इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लेक्स का कंट्री माना जाता है. सो वहां पर कुछ फेमस लेक्स भी हैं जो कि इस प्रकार हैं. द फेमस लेक्स आर एल्बर्ट एडवर्ड किवू एंड तंजानिका. ओके बेटा, ये कुछ फेमस लेक्स हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फेमस है. नाउ लेट्स नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. स्टूडेंट्स, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लाइज इन टॉरिड जोन. बेटा, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है टॉरिड जोन में पड़ता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में कंटिन्यू पूरे साल सन रेज बराबर पड़ती रहती हैं. इसीलिए बेटा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है या यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड होता है. एंड यहाँ पर सीजनल मॉनसून होते हैं, मतलब कि जब मॉनसून का सीजन आता है तो यहाँ पर बारिश भी होती रहती है. ओके, तो ये था
हमारा क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द वेजिटेशन एंड अबाउट द वाइल्ड लाइफ और एनिमल लाइफ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. Now here is your homework. You all have to learn all the fundamental terms of this chapter and write in your homework copy 2 times. Okay, आप सभी को सारे fundamental terms इस chapter के learn करने के 2 बार अपनी homework copy में लिखना है.